सचिन देव बर्मन में जब रफी आशा आ जाते हैं तो मामला कुछ बहुत अलग हो जाता है सर। वो ध्यान से सुनना पड़ता है कहाँ कहाँ क्या क्या कशीदाकारी गाने की कैसे होती थी गुजरे जमाने में, कैसे रफ़ी मोहम्मद रफ़ी सिर्फ नहीं कुछ अलग रफ़ी दिखते हैं। आशा भाई सिर्फ दीनानाथ मंगेशकर की बेटी नहीं, कुछ और एक विलक्षण अपने समय की एक बड़ी गुलकारा आपको नजर आने लगती हैं। दो पंक्ति पढ़ रहा हूँ अजात शत्रु जी की, ध्यान से सुनिएगा और फिर ये गीत को सुनिएगा। प्यार का अलौकिक वातावरण बनाने वाली रफ़ी आशा की मेलोडीज में हम बहारों में मरते जाते हैं और जन्नत के बगीचों में जीते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दूर सर्दियों में पहाड़ जल रहे हैं और मोहब्बत की सिलकती रूह सौगातों में एक दूसरे को दुलाल रही है, एक दूसरे के गाल पर थपकियां दे रही है। ये गाने को सुनिएगा, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माए। बहुत सॉफ्ट धुन का है, रिदम पैटर्न बहुत मध्यम है, जिसको आप बहुत सॉफ्ट गीत कह सकते हैं, लेकिन कैसे निकल कर आता है सचिन देव बर्मन का करिश्मा देखिए। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आँख मिली और घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। के झुक चंचल नैना एक झलकी दिखला के, बोलो गोरी क्या रखा है पलकों में छुपा के, तुझको रे सावरिया तुझसे ही चुरा के, तुझको रे सावरिया तुझसे ही चुरा के, नैनों में सजाया मैंने गजरा बना के, हो नींद चुराई तूने चुराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आँख मिली और घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। सेक्शन वालों के लिए भी खासा काम था इस गाने के अंदर, वहां बढ़िया काम।